जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द न्यूज लैब के अंदर। अगर आप भी भारतवासी हैं और भारत में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेके आया हूँ, पांच ऐसी सिलेक्टेड खबरें जो हर भारतीय को जान लेनी चाहिए। आप खुशी से झूम उठेंगे दोस्तों। अगर आप भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं या फिर कोई अगर नवयुवक है यानी कि कुछ धंधा करने की सोच रहे हैं या जॉब चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है पे नियर बाई कंपनी को। ये कंपनी अब हर किराने की दुकान, हर मेडिकल स्टोर, हर छोटे धंधे, मिठाई के धंधे, पार्लियामेंट, फैंसी स्टोर, हर जगह पर अब माइक्रो एटीएम यानी कि छोटे से एटीएम लगाएगी। ऐसे एटीएम जिसकी साइज बिल्कुल छोटी होगी। और दोस्तों 1,00,000 दुकानों के ऊपर ये एटीएम लगाने का काम चालू हो चुका है। खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फिनटेक नेटवर्क कंपनी ने खुद बनाया माइक्रो एटीएम, एनपीसीआई से किया समझौता। कंपनी का कहना है कि इसके लिए उसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ एक समझौता किया। साथ ही इस कार्य के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी भी की है। इसके साथ ही दोस्तों कैश विड्रॉल पोर्टफोलियो में भी कदम रखा है कंपनी ने। पहले साल में 1,00,000 दुकानों तक पहुंचने की योजना बनाई है। पे नियर बाई के संस्थापक और सीईओ आनंद कुमार बजाज ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य पहले साल में 1,00,000 दुकानों तक माइक्रो एटीएम को पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मशीन की खासियत यह है कि यह पोर्टेबल, अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस है। उन्होंने कहा कि माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल काफी किफायती है और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर लागत घट जाती है। यह मशीन खासतौर पर ग्रामीण भारत के लिए काफी उपयोगी है जहां एटीएम की उपलब्धता काफी कम है। भारत ग्रामीण के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में एटीएम आधार से लिंक्ड नहीं है या फिर उनमें फिंगरप्रिंट लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य या जिले में रहते हैं, ताकि आपके राज्य या जिले से लेकर के इस मशीन को लेकर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आप तक वीडियो बना के जल्दी से पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अपन बात करें दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से मिलने वाले अगले बड़े तोहफे, तो दोस्तों जनवरी 2020 से ही एनईएफटी से फंड ट्रांसफर करने पर नहीं लगेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, जो भी मोबाइल इंटरनेट यानी कि मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाते हैं और अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उन सबको पता ही होगा दोस्तों कि अपन अपने किसी दोस्त के एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं, पैसे भेजते हैं तो उसमें कुछ एनईएफटी शुल्क लगता है यानी कि चार्ज, यानी कि अपन ने 10,000 रुपए भेजे तो 5 रुपए, 12 रुपए, 8 रुपए ऐसा कुछ शुल्क लगता है। तो दोस्तों मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि अब सेविंग अकाउंट यानी कि जिसके भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं जिन जिन कस्टमर्स के, उनसे एनईएफटी के जरिए ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क ना लें। आरबीआई के कहने पर बैंक जनवरी 2020 से एनईएफटी ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई शुल्क नहीं लेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि सर्वे के अनुसार पता चला है कि केवल यूपीआई ट्रांजेक्शन यानी कि फोन पे, भीम, गूगल पे, तेज, इससे 874 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है साल 2018 से 19 के बीच में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों अब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब बिल्कुल फ्री में हो जाएंगे। आपने कभी गूगल पे, फोन पे या फिर भीम, पेटीएम वगैरह यूज किया नहीं किया, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। इसी के साथ दोस्तों मोदी सरकार का अगला तोहफा मिला है कि अब चेहरा पहचानने के बाद ही मिलेगी ट्रेन में एंट्री। रेलवे लेकर आ रहा है खास सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने फोन के अंदर देखा होगा कि यार मेरा फोन तो फेस अनलॉक से खुलता है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम रेल के अंदर भी लाने की तैयारी कर रहा है रेलवे डिपार्टमेंट। दोस्तों इसको इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि आए दिन बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, ताकि कोई भी अगर अपराधी है तो उसका ऑलरेडी वो फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है वो थाने से मंगवा लिया जाएगा, उसकी हिस्ट्री डाटा, और जैसे ही अगर वो रेल में घुसकर कुछ भी वारदात करने को अंजाम देगा इससे पहले दोस्तों वहां पर स्कैन कर लिया जाएगा और पकड़ा जाएगा। इसी के साथ वहां पर मौजूद पुलिस के द्वारा दर दबोचा जाएगा और यात्री उससे होने वाले धोखे से, उससे होने वाली चोरी से आसानी से बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है जल्द ये अपडेट सभी रेलों में चालू कर दिया जाएगा, साल 2020 के अंदर अंदर इसको सब में लागू कर दिया जाएगा। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि रेलवे ने पटना में बनाया देश का सबसे बड़ा एसी वेटिंग रूम। आइए बताते हैं आपको इसकी सुविधाएं। जो स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट एसी रूम है ये वेटिंग रूम, जिसके अंदर वाईफाई, एलईडी टीवी सब कुछ लगी हुई है। और बता दूं मैं आपको कि 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता है इस वेटिंग रूम के अंदर। अभी फिलहाल इसे पटना में बनाया और इसका शिलान्यास हो चुका है और जल्दी साल 2020 के अंदर ये सभी राज्यों के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर फ्री वाईफाई भी अवेलेबल होगा। साथ ही दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए टेक स्टार्टअप में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा पेटीएम। जी हां दोस्तों, एआई आधारित तकनीक और बिग डाटा सॉल्यूशन पर रहेगा फोकस। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने सोमवार को कहा है कि वह शुरुआती स्तर के टेक स्टार्टअप में 500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने कहा है कि इस निवेश का मकसद डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का निर्माण करना है। दरअसल दोस्तों बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए विकसित की जाएगी एआई आधारित तकनीक, भारत के एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में विश्वास रखता है पेटीएम। तो दोस्तों 2020 के अंदर अंदर 500 करोड़ रुपए निवेश करके रोजगार बढ़ाएगा पेटीएम भारत के अंदर ही। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी मोदी सरकार की तरफ से साल 2020 से इन तोहफों के बारे में जान पाए, उनको भी पता चल सके कि 2020 में आखिरकार क्या अपडेट होने वाला है, कैसा फ्यूचर अपने को दिखने वाला है फ्यूचर इंडिया का। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपन मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।